नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंजन में जो भी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके आने वाले टेक्निकल एग्ज़ाम जो कि ITBP मोटर मैकेनिक कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, BRO व्हीकल मैकेनिक, BRO DS व रेलवे लोको पायलट, ये सभी जो टेक्निकल एग्ज़ाम हैं इन सभी एग्ज़ाम में यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में जो भी इंजन के पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। इंजन चाहे एक सिलेंडर हो या फिर एक से अधिक सिलेंडर वाला इंजन हो, बनावट जो है वो सभी की एक जैसी होती है। इंजन हमारा चाहे पेट्रोल वाला हो या फिर डीजल वाला, उनके जो पार्ट्स होते हैं वह एक जैसे ही काम करते हैं और उनका स्ट्रक्चर भी अधिकतर एक जैसा ही होता है। फर्क सिर्फ जो है वो उनके फ्यूल सप्लाई सिस्टम व इग्निशन सिस्टम में होता है। पेट्रोल इंजन वाला जो है वो फ्यूल सप्लाई सिस्टम व इग्निशन सिस्टम अलग होता है और डीजल इंजन का फ्यूल सप्लाई सिस्टम व इग्निशन सिस्टम अलग होता है। और जो भी पार्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं और एक जैसा ही काम करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं इंजन के पार्ट्स के बारे में। तो इंजन में बहुत प्रकार के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, क्रैंक केस, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, ये सब जो इंजन में पार्ट्स होते हैं। एक एक करके इन सब के बारे में हम डिटेल में समझेंगे और इनकी वर्किंग को भी जानेंगे। इंजन के जिस भी पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे उससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी जो अच्छे से तैयारी हो सके। तो इंजन के इम्पोर्टेंट भाग जिसके बारे में हम पहले जानेंगे वो है सिलेंडर ब्लॉक। तो सिलेंडर ब्लॉक जो ज़्यादातर कास्ट आयरन का बनाया जाता है। अगर सिलेंडर ब्लॉक को एक ही पीस में बनाया जाए तो इसे हम मोनो ब्लॉक कहते हैं। तथा हमारा जो सिलेंडर ब्लॉक होता है उसमें क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, वाल्व गाइड, ये जो कास्टिंग के दौरान बनाए जाते हैं। तथा हमारे वाटर कूल इंजनों में इंजन को ठंडा करने के लिए सिलेंडर ब्लॉक के अंदर वाटर जैकेट बनाए जाते हैं। ये जो आपको होल दिख रहे हैं सिलेंडर ब्लॉक में, यह वाटर जैकेट होते हैं जिनमें पानी सर्कुलेट होता रहता है, अर्थात वाटर सर्कुलेट होता रहता है जो कि हमारे इंजन को ठंडा करता है। ये जो है वो प्रक्रिया वाटर कूल्ड इंजनों में होती है। और जो हमारे टू स्ट्रोक इंजन होते हैं या फिर छोटे इंजन होते हैं जैसे कि मोटरसाइकिल के इंजन, इनमें क्या होता है कि सिलेंडर के बाहर ही फिन्स लगाए जाते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये फिन्स होते हैं जो कि छोटे इंजनों में सिलेंडर के बाहर ही लगाए जाते हैं। इनमें क्या होता है कि हवा टकराती है इन फिन्स में और यह हवा जो है वो हमारे सिलेंडर को ठंडा करती है। ये जो हमारे छोटे इंजनों में होता है। और बड़े इंजनों में क्या होता है कि सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ही वाटर जैकेट बनाए जाते हैं जिनमें पानी सर्कुलेट होता रहता है और हमारे इंजन को ठंडा करता है। तो ये होता है हमारा सिलेंडर ब्लॉक। आई होप आप जो हो सिलेंडर ब्लॉक के बारे में जान गए होंगे। अब हम सिलेंडर ब्लॉक के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलेंडर ब्लॉक जो हो किस मटेरियल का बना होता है। तो सिलेंडर ब्लॉक जो ज़्यादातर कास्ट आयरन का बना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे टू स्ट्रोक इंजन होते हैं उनमें या फिर जो छोटे इंजन होते हैं जैसे कि मोटरसाइकिल इत्यादि जो इंजन होते हैं उनमें सिलेंडर की गर्मी जो है वो कैसे कम होती है और उसके लिए छोटे इंजनों में क्या लगाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो छोटे इंजनों में जो कि मोटरसाइकिल होते हैं या फिर टू स्ट्रोक इंजन वाले इंजन जो होते हैं उनमें सिलेंडर में फिन्स लगे होते हैं और उन फिन्स में हवा टकराती है और इंजन की गर्मी को वह हवा ले जाती है। तो ऐसे जो हो छोटे इंजनों में हमारा जो ठंडा होता है छोटे इंजन, ये जो क्वेश्चन हमारे जो सिलेंडर ब्लॉक से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलेंडर ब्लॉक में जो ये गैलरी दी जाती है यानी कि वाटर जैकेट बने होते हैं इनका क्या काम होता है। तो ये जो हमारे सिलेंडर ब्लॉक होते हैं उनमें जो वाटर जैकेट बने होते हैं उनमें पानी सर्कुलेट होता रहता है जो कि हमारे इंजन को ठंडा करने का काम करता है। तो ये सभी जो क्वेश्चन हमारे सिलेंडर ब्लॉक से पूछे जाते हैं। आई होप आप जो
सिलेंडर ब्लॉक के बारे में डिटेल में जान गए होंगे। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो सिलेंडर ब्लॉक से रिलेटेड। अगली वीडियो में हम सिलेंडर हेड के बारे में जानेंगे कि सिलेंडर हेड क्या होता है और ये इसमें इंजन में ये क्या काम करता है। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।